चैनल से लेके गंगा चैनल बा हर चैनल पर हमरे आवाज में आप लोग बिरहा सुने नी बा बा भूमिका में भाव लिखते हैं बहादुर। गुरु जी कहनी है कि हमरे बनारस के रहे वाला बनवारी लाल नेताजी कहनी कि अगर ज्यादा हौजा पथार हो गई बा हम बताई ला कि कलाकार कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, आप ही उसको बड़ा बनाते हैं और आप ही उसको छोटा बनाते हैं। जेकना जैसन चाहब वैसन वो बनी, और कभी किसी को अहंकार नहीं होना चाहिए। आप लोग जेके चाहनी ओके रामदेव बुल्लू बना दिहनी, और जेके ना चाहनी उल्लू बना दिहनी। तो आपे लोग महान बनी, आपे लोग के हाथ में सब कुछ बा, कहानी पर ध्यान देंगे। दोस्ती से बढ़ी कर दुनिया में दौलत नहीं, दोस्त दूर दिन में होता मददगार है। मिलाना जिसे दोस्त दुनिया के अंदर, व्यर्थ उसके लिए सांप संसार है। छड़ भांगुर जीवन में चलना संभल के, अरे लगने न देना इस रिश्ते में दागी। लुटा दोगे हीरा जो पत्थर समझ के, राम निवास लागे की किस्मत में आगी। बिरहा में बड़ा सुंदर कवि जी गजल के अंदाज लिखलन बहादुर। तरीका वो हम गाई लगा, अरे कहीं ये दिल के कौनो प्रेमी प्रेमिका में बड़ा प्यार बा, आ कुछ ऐसा बात हो गई कि मिनटो सेकंड में दोनों अलग हो गए ना सो। आज जब साल दो साल के बाद मिलना सो तो लड़किया कई सारा बका, अरे कहीं ये दिल, अरे कहीं ये दिल के बीच में दरार हो गई, कहीं ये दिल के बीच में दरार हो गई, कहीं ये दिल के बीच में दरार हो गई। हम पहले ही बतौनी सरकार, हमरे साहब बैठल बनी, ये धरती पर केहू बड़ा छोटा ना होला, सबके आपे लोग बनावे नी ना कोनो ये धरती पर जात बा। प्लीज भैया हेलो, ए साहब तनी ध्यान देव, कवि जी बिरहा के भाव लिखलन। अरे अपना जिसे बना न सदा साथ निभाना, अपना जिसे बना न सदा साथ निभाना, बड़ा परिश्रम से हमनी के बोलोले बनी आप। अच्छा ये बताई कोनो जगह आदमी जब नया जाए के रहला तो परचे तो बार ना कहला, आदमी की बिलारी के जब दूध से मुंह जरेला तो माठा फूक के पिए ले। आए अब हमनी के आ गई नहीं जा
आप लोग के विषय में जान के नहीं जा। अब एगो टेलीफोन जाई अगर मीरा ना आवस तो फिर आप लोग जवन कहत तवन भाई हमनियो के मन में डर रहल ह। ई डर दूर हो गई, बड़ा सम्मान आप लोग देनी एक खाती हमनी के आभारी बनी जाए। कहल आदमी कभी जी लिखलन का अपना जिसे बना न सदा साथ निभाना, अपना जिसे बना न सदा साथ निभाना, अपना जिसे बना न सदा साथ निभाना। पूजनीय हमारे धर्म के पिताजी आदरणीय जिनके माध्यम से हम आपके बीच में हैं, लेखपाल साहब के द्वारा सादर हजारों हजार रुपया देकर के आपने सम्मानित किया इस बेटी को, कोटि कोटि हमारे तरफ से प्रणाम। जौना पतल में खाइल जला ये साहब, वो पतल में छेद ना कर जला, जेकर नीमक खाइल जला ओकर शरीयत दिहल जला। तो कवि जी लिखलन का अपना जिसे बना न सदा साथ निभाना, परिभाषा लिख लो। जौना माटी के शरीर पर दुनिया के लोगन के गुमान बा, यही के परिभाषा कवि जी लिखलन का जीवन है अगर बाग तो बहार दोस्ती, जीवन है अगर बाग तो बहार दोस्ती, भटके हुए पथि की आधार दोस्ती। जेकरा से मित्रता कैले बड़ा, चाहे दुख होके सुख होके दिन होके रात होके, मित्र के मतलब हु बा कि मित्र के हमेशा दुख सुख में साथ दे। ई ना कि जब सुख बा तो साथ दे या जब बुरा दिन आवे तो साथ छोड़ दे, उ मित्र ना होलने बाबू। यही से कवि जी लिखलन का दोस्ती में सही जीवन की जो या भना होती, सुदामय और कृष्ण की परिभाषा ना होती। कदम बढ़ाए या गले तलवार हाथ में, देखे नजारा बन में तो जिगर मचल गया, देखे नजारा बन में तो जिगर मचल गया, खाड़ी गजब की नूर लग सुरूर चढ़ गया। बाबूजी तनी ध्यान दी, एगो राजा जौने आप लोग सुनबे कहीं नहीं, राजा दिलीप के विषय में, वाह वाह। लेकिन ए राजा के नाम बा नागपाल, वाह वाह। आ नागपाल के एगो जिगरी मित्र बड़न जेकर नाम बा यूसुफ, चात के मुसलमान रहलन लेकिन दोनों जना में इतना दोस्ती रहल। एक दिन दोनों जना जंगल में शिकार कर गइलो, आ जब जंगल में शिकार कर गइलो तो देखा तलो कि इस जंगलवा के ठीक बीचों बीच एगो खूब सुंदर लड़की खड़ी बिया, इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर। हमारे लेखपाल साहब बैठे हैं, कभी कभी सुंदरता भी जानलेवा होता है। ये हम नहीं कहो, बड़े बड़े संत लोग के देख लिया जा, वाह वाह। जैसे में देख लो, हाँ आसाराम बापू, नारायण साईं के उहे हाल हो, हाँ राम रहीम के उहे हाल बा,
फलहारी बाबा के ऊपर। अच्छा ये ना पहले भी देख लिया जा। हाँ। बताओ कि हनुमान जी, हाँ हनुमान जी जब जाए के पानी में मुंह देखलन अपन बानर के, अरे क्षमा करेंगे नारद जी, बानर के मुंह लौकल देखलन भड़क गेलन कहलन ओ हो हो कहाँ समूह सुगर रही थी हमू तो मेहरारू हो मेहरारू खाती बन रहा हूँ। अच्छा उनकर तो हालत ऊ बा एने कौन हो नंद रहलन हो चिमियानंद। अरे उनकर तो बतिए छोड़े को बिछाओ में राधे माँ इरली हो वो खूब कंठी डोलोली तो बड़े बड़े संत महर्षि ऋषि लोग के कंठी टूट गई। हमारे गुरुजी लिखे थे कि नारी ही नर को जन्म देती जग में सुमन सेज सबको सजाती है नारी। नारी के उर में हरम दे नारायण महामाया जग में कहती है नारी। नारी से कोई नहीं पार पाया भटके को रास्ता दिखाती है नारी। अरे नारी बा खेत भरे वाली नारी मोरी ना। नारी के मतलब औरत। औरतों का इस धरती पे रूप अनेक है, चाहिए तो मिनटो सेकंड में तुम्हारी इज्जत बनाई दी हो। आई अगर उतारे पर लाग जी हो ललचाई दी हो, ललचा ना दी हरे पागल माने बनल बनावल इज्जत माटी में मिला दी हो। राजा गइल बड़न जंगल में शिकार करे जब 16 साल के लड़की देखलन कलन हे प्रभु जिंदगी रही तो बहुत शिकार हुई। पहले चलल देखल जाए लड़की जंगल में का करतिया, लड़किया बैठल बिया नागपाल राजा हाथी से उतरी गिलन एगो पेड़ बा वही पेड़वा के नीचे दोनों मित्र बैठ गए आ वही लड़की के ऊपर एक टक ताकत लो। गजब सुंदर बिया न एकर आंख आंख तब यहाँ तो जैसे आम के फारी ओट कतरनी चाउर गर्दन सुराही दा। जब नागिन ऐसा बलखात चलती है ना ओ हो हो आयुरी नीचे ओइज हम नहीं जल चाहत। नागपाल राजा दीवाना हो गेलन कि हे प्रभु शिकार बहुत जिंदगी में मिली कहाँ से लड़की हमारे दिल के रानी बन जाई। तनी मनी सुनब साहब हमार ई लड़की दिल के रानी बन जाई तो हमार किस्मत जाग जाई। बैठल बड़न पेड़ के नीचे सोचा तड़न यही बीच में घटना का घटता बिरह में गीत हिल गई। अब हमारे जन्म के पहले वाला गीत तनी मनी पर्दा लगी मास्टर साहब। अरे बदना हो जरा अरे मनवा मोहले मोहनिया मनवा मोहले मोहनिया कवि जी लिखल मनवा मोहल मोहनिया अखिया में धसे ले ताके ले नजरिया घुमाए हाय हाय ताके ले नजरिया घुमाए हाय हाय ताके ले नजरिया घुमाए। अरे लाल लाल ओटी अब हम शोक कर चिराई चले ले कमर मलखाय हो मोहनिया Yeah.
जिंदगी में ऐसा लड़की ना देखल हो। साला देखला के बाद ऊपर के सांस ऊपर नीचे के सांस नीचे इस समझे में नहीं ख्यावत की कहाँ खोल जाए। अच्छा तभी आंकड़ा मिलावत हलो तब तक ले पांच से जब दस मिनट बीतल लड़कियो जब यू टर्न लिहल यू टर्न के मतलब जब घूमल भी है तो हम बताई ला ये चाचा की खाली मर्दे दीवाना ना होलन कुछ मर्द भी ऐसा होलन हम बताई ला आदमी के रंग से मतलब ना आदमी के ढंग से मतलब होला। अरे वाह ये धरती पर चेहरा के पूजा ना होला ना। पूजा कौन चीज के होला कौन चीज के हो गुण के पूजा होला। वाह कर्म प्रधान विश्व करु राखा जो जस करनी वही फल जाखा। ये धरती पर गुण के पूजा होला कला के पूजा होला। लड़किया देखलस कहलस कि हे भगवान जिंदगी में बहुत हम आदमी देखली लेकिन ऐसन आदमी ना देखली का छरहर बदन बा चौड़ा सीना का सी नौजवान हमरे दिल के राजा बन जाए। कहलस कि हे राजा कहाँ से आइल बड़ राजा कलन ये रानी हम ताइल बनी ये जंगल में शिकार करे तुहार तो नाम का पड़ी राजा कलन हमार नाम बा यूसुफ संगिया में बड़न वो हमार मित्र हो इनका नाम बा अरे नागपाल बतावो बात का बा। लड़किया कलस की ना ही बात कोनो नहीं खे लेकिन हम एगो ये बात बतावल चाहतनी कि जौना जंगल में तू शिकार करे आइल बड़ ये जंगल के विषय में साए तोरा जानकारी नहीं खे। राजा कलन की ना हम तो बिल्कुल अनजान बने कलस की तकान खोल के सुन लो जो ना जंगल में आइल बड़ा शिकार करे वो जंगल के रक्षा हमारे बाबूजी करे लो। ये जंगल में जितना राजा आइलन जान लेके आइलन जिया तो आइलन लेकिन जब वापस लौट के गइलन तो अपने आप के जिंदा ना पहुलो। ये दुनिया में जियल चाहत और तेगो काम करो का कहलस बिरा हम गीत बदल गई हम प्रयास कर तनी ऐसे नाई बाजत हो तनी हमरो को बोले तो तब ना हमरो आई ऐसे नाई बाजत हो मास्टर तनी ओके लाइन पे बजाया था आवो कैसे मांगे लगोड़ावा नदी लिरी गोड़ी कलाकारों के शुद्ध शुद्ध आवाज समझ में आवे के चाहिए। आदरणीय पिताजी भागीरथ पाल जी के द्वारा 21 रुपये का आशीर्वाद पिताजी के प्रणाम। अब तनी ध्यान दे जा कहला आदमी के बाबू दू गोड़ावा बनहा जाए अरे चरी गोड़ावा बनहा जाए लेकिन दू गोड़ावा ना बनहाई। कवि जी लिखलन का अरे भल ही बंधाई जाला नदिया के पानिया जंगल से बाहरी चल जाए अगर ये बात के जानकारी हमारे पिताजी के चली तो तुहर जान मार दी हम नहीं की चाहत कि हमारे पिताजी तोहरे जान के मारे। राजा कलन की आई तरनीय शिकार करे जंगल में लेकिन जब से तुह के देखले बनी इस दिल दीवाना हो गई आई रनी अकेले लेकिन जाई तो लेके जाइए लेके ले मतलब तो के लिया के जाइए। अच्छा तो लड़कियों चाहते रहल जब रोगिया के भावे तौन बायदा बतावे कलस की मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तो जब राजा देखलस की हो इच्छती है मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ राजा तो चलो
तो तुरंते हाथ पकड़ ले लन आ पकड़ के जब हाथी पर लेके बैठे लगल हो कहलन कि चले के तो चलते बड़ू चलो चला जब जंगल में चलबू ते ही जंगले में हां मंगल गवाई अच्छा लड़की समझ नहीं खे पावत राजा बुदबुदा तणन होत का बा पीजे शंकर जी अनारी चिरौना के धरती से 50 रुपया दे के सम्मानित कर गिल बहुत बहुत प्रणाम लड़ली नजरिया कुमारिया झट बोले ले बाबा के बहतिया कुमारिया वहां खोले ले मरिया वाहे भोले कुमारिया वहां खोले ले मरिया वाहे भोले कुमारिया वहां खोले आगे जानी जाय हो नहीं तो जाय जिंदा करिया जनमा ले ली है हो हमारे बाबूजी घुमनिया जनमा ले ली है हो माताजी भी बैठ के बिरहा सुनत तनी तनी ध्यान दे माताजी राजा लेके हाथी पर लईकी के आगे गइलन सोचा तलन के भी राजमहल में त ले गइल बहुत दूर के बात बा आज रात ही जंगल में बिताई एगो पेड़ बा वही पेड़ावा के नीचे राजा ओ लईकिया के लेके रात गुजारे लगलो बरगद के पेड़ बा वही बरगद के पेड़ के नीचे सूत के रात गुजारतलन आ जब रात गुजारे लगलन त कवि जी उहे गीत लिख दियलन कौनो लड़की के उम्र एकदम कम सीन रहो लेकिन ओकर दुल्हा घचाक मिल गई घचाक एकदम निर्दयी हुए कहले रहल कैसे हमरे चाचा के जमाना के गीत लग गईल कैसे हमरे हैदर अली गुरुजी के जमाना ओ समय होई तो हमनी के ओ समय थोड़े रहने जाए लेकिन वो समय के गीत बा मास्टर साहब अरे करइल होले हो अरे करइल होले हो अरे करइल होले रे बाल जोर पिया गाना करइल होले साथी गुजरिया लियाई चला ले पेड़ के नीचे सुतल बलो लेकिन बात का होता हो। अरे कुछ दूर गईला पर हो गईली रतिया आ फेड़ तरया सन जमाए दुनो सथिया अरे बितावे लगले हो अरे बितावे लगले अब वो ये ठाईया रईनिया बितावे घड़ी जब 11 बजौल संजोग ऐसन बा कि जैसे है नीम के पेड़ है उ बरगद के पेड़ रहल वही पर एगो गीद है एगो गिधनी सुतरल जब गिधनिया शोर गुल्ला सुनलस आवाज सुनलस तो लागल अपने गिधवा के केहुनी से मारे अच्छा तो गिधवा समझ ना पावे गिधनिया बार बार ठेहुनी से मारे गिधवा डांटा तो क्या नेहरारू के जात एकदम बहुत बेकार होली चुपचाप सुत इतना रात हो गई बा तो के नखे बुझात गिदनिया कलस की डांटा मत हमके ऐसन ऐसन मत समझ जबे ना तबे खाली चुप करावेला बार बार डांटा तड़ा तो समझा दे आयन मौका पर आयन मौका आई तो समझा दे नेहरारू का आयन मौका समझेला का होला अच्छा तो तू दिन भर के थाकल हरल आइल बड़ा खेत जोतले बड़ा फरुहा चलल बा आ जब अइल भोजन करे के टाइम भइल बा कहि के जा
जौन मुंड पानी बनल अच्छा तो लल चांदी कलश की डांटा मत दिखा दे गिदवा कलश की जौन बात बतौन बताओ बताओ कलश की बताओ ही तीन गो आदमी निचवा सुतल बड़ा नी कैसन आदमी हो अरे गिदवा कलश की मेहरारू बड़ी बेकार होली सी हम ना बतावल चाहत नहीं लेकिन ना मनबू तो ई सुनो कोनो ऐसन तैसन आदमी ना होवन बगल में सुतल बड़न इ नागपाल राजा हवन इनके जड़ी जौन सुतल बिया इ लड़की से प्रेम भइल बा आ ठीक ओ किनारा बड़न इनकर जिगरी मित्र हवन इ तीनों जना जब राजमहल में जाई लो तेगो इहन लोग के संगे बहुत बड़ा अनहोनी होई अरे वाह गिधनिया पूछत कि अनहोनी में का होई त गिधवा बतावे लगल का आइए अरे मर राम बताओ के बसुतौ निचवा हर बिरह में अलग अलग क्वालिटी होना चाहिए चाहे टेरी हो चाहे जो भी हो बताओ के बसुतौ निचवा तो शंका भइल हृदय में हमरो नाथ मिटावा बताओ के बाद सूतल निचावा जब दोनों जना में बात होखे लगल तो गीत बदल गई बहादुर मास्टर साहब कौनो दुलहिन के दुल्हा तोहरे ऐसन गांजा के पियकड़ हो पियाक मिल गई हो ए, जब चीलम पर बोझ ले राजा गांजा पिए अच्छा एक चिलम मारे तो कोनो दिक्कत ना ना लेकिन जब डबल आई ले तो लागे बसवारी बसवारी घूमे खाली में दुनिया खींची हम ना कह चाचा बैठल बड़न ना तो दिक्कत हो जाई तो उहे कहले रहल कैसे अरे यही रे गजवा अब यही रे गजवा हो तो सही अब भाई ना से बाजा आहिरे गाजवा सैया भाई ले ना सबा सैया भाई ले ना सबा आहिरे गाजवा आहिरे गाजवा आहिरे गाजवा तो सैया भाई ले ना सबा जवा आहिरे गाजवा सैया भाई ले ना सबा जवा आहिरे गाजवा काज नहीं 20 रुपया में वो एगो पुड़िया मिली के नाम निकाला जो फाटल नोट दिया चलतो ने की सामान हो ए घरी वो कुल ज्यादा नशा से दूर रहिए नशा से दूर रहिए हमारे बाबा साहब यही सिखाए थे जोरदार बिरहा का मुकाबला 17 सितंबर बाहुबली ज्ञानी यादव जी औरंगाबाद बिहार और सपना पाल जी इलाहाबाद पाल जी इलाहाबाद स्थान निचाव लिखल बा स्थान पता हाँ लिखे हैं बहरियाबाद बहरिया बहरिया पता बिरभानपुर लिखा गया है बिरभानपुर चौराहा इलाहाबाद आप लोग भारी से भारी संख्या में जाके दोनों कलाकार के आप लोग बिरहा के आनंद ले जाए अपन आशीर्वाद दे जाए अच्छा ये तो धुन रहल बिरहा में भाव लिखल गई अरे बोल लगी धवा बचानिया सुनाए धनिया सरकार हम कहा जाना तनी गिधवा कलश के लड़किया के लेके जब राज दरबार में राजा जई हम तो इनके ऊपर एगो बहुत बड़ा दीवाल गिरी आ दीवाल गिरला के मतलब कि नागपाल राजा जताई हम आ जतैला के मतलब कि नागपाल राजा की मृत्यु हो जाई
गिधनिया कलश के सरकार जब ये दुनिया में हमनी के रजे ना रही हन तो ये लोग प्रजा जी के का करी हन। अच्छा ये बताई कौन उपाय लगावल जाए कि नागपाल राजा की जिंदगी बच जाए। आराम से चाचा गिधवा बतौलस की देखा नागपाल राजा के जिंदगी तबे बची। हाँ। अगर नागपाल राजा के अगर कोई हाथी से उतार के घोड़ा पर चढ़ा दी तो नागपाल राजा की जिंदगी बच जाई। इज्जत तो बच जाई बिरहा सुने वाला भैया लो। हाँ। लेकिन लड़की के लेके जब अंगना में जई हम सोने के थरिया में भोजन आई। नागपाल राजा जब आहार करे चली हम तो भोजन में रोटी चावल पूरी ना रही, मछली रही, मछली के आहार जब करी हम मछरी के कांटा नटई में फंसी फसला के मतलब की मृत्यु हो जाई। गिधनिया कलस के ओइजा कैसे जान बची त गिधवा बतावे लगल का बतौलस। आइए आइए अरे ससुरे से रूसली बा इस प्यारा गीत है। हाय 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 एकरा में हड़बड़ दड़बड़ कोयले के जरूरत नहीं खे। अरे ससुरे से रूसली बा तिरियावा न हो धैली नैहरे के रा आदरणीय स्वर्गीय हैदर गुरु जी के सहयोगी मित्र उमा बैरागन जी जिनका शाम से ही आप सुन रहे हैं नाम। भगवान करे कि दिन पर दिन भले छोड़ दिए हैं तो क्या ये बताओ पहलवान अगर लड़ल छोड़ दे का पहलवान ना कहे कहे भैया कहे कहे जवन पहलवान जवानी में किला कदार दिले हो आए हाय रे उ भले बुढ़ाई तक आ बूढ़ बैल कतनो बुढ़ा जाई लेकिन एक हर तो चलिए दी हराई हराई थोड़े भुलाई लेवल लग गई बा तो के घटावा मत भैया। बड़ा ही सपोर्ट और आप सबका आशीर्वाद और दुलार प्यार रहा बहन आप उमा बैरागन जी के आगे बढ़ाने में। पूजनी आप दयाराम मौर्या जी आपके चरणों में हमारे तरफ से प्रणाम। बिरहा में कवि जी लिखते हैं कलश गिधवा के सुना ओइजा मर जी राजा जान ना बची। हाँ। कलश के ओइजा कैसे बची कलन की इनके आगा का थरिया अगर कोई दूसर ले ली तो ओइजा राजा बच जी हन लेकिन सुहाग रात में ही बचे के कोनो चांस ना। नागिन निकली राजा के काटी कटला के मतलब की तुरंत टाई बोल दी हम। गिधनिया कलश की चिंता मत करो सवेरे हम बताई तब गिधवा कहे लगल का बोला गिधा सुनो मोरी बोला गिधा सुनो मोरी संभातिया न हो सवेर होई जाई बन नागपाल राजा से मैं सच्चाई बता देव नागपाल राजा के संगे ऐसा अनहोनी ना हुई। गिधवा कलश के यही से कहल आदमी की मेहरारू जात बड़ी बेकार होली कौनो बात पछे लना अगर जाई के बता देबू तो बिरहा सुने वाला भैया लो बैठल बनी तमाम बिरहा सुने नहीं गिधवा कलश की सुना
अगर बता देबू तो जाना तलू का होई विधनिया कलश के हम निकी जाना तो गिधवा बतावे लगल का बतिया बतावत होई पत्थर के तानावा के राजा से बात बता दी तो ओकर शरीर पत्थर के हो जाई। अच्छा गिधनिया तो चुप पटाई गई लेकिन ए बतिया के सुनत रहल के हो नागपाल राजा के मित्र जेकर नाम बा ईसु। वाह वाह सबेर भइल दोनों मित्र जब चले लगलो ते एगो मित्र के विषय में सोचा तड़न की अगर हम ना कोनो उपाय करब पशु पंछी के बात जौन बा राजा भी समझे और ईसु भी समझे। गिधवा गिधनिया के बतिया सुनलन सबेर भइल सोचा तड़न की उपाय लगाई न तो हमरे मित्र की जिंदगी अखड़ेरे चल जाई। कुछ आगे गइलन ते बाबू नागपाल राजा के मित्र ईसु उपाय का कइलन आई आखिरी गीत रहल हो लेकिन गीत से धुन से बढ़िया तनी मनी आप लोग ध्यान दे दो कहानी समझ में आ जाइए। ए बाबू आखिर जब हाथी पर बैठ के दोनों मित्र आगे बढ़ल लो तो कुछ ही दूर के बाद ईसु घोड़ा के रोक दिलन। आगे बाद जाए के खड़ा हो गेलन कहलन भैया हो जिंदगी में आपसे कुछ मंगले नहीं हमार हार्दिक इच्छा बा कि तनी हथिया से उतर जाई तो हमके हाथी पर बैठा दे तो दुनिया वालों के नजर में हमार मान सम्मान बढ़ जाई। एगो मित्र अपने मित्र खाती अपने घोड़ा पर बैठ गए नागपाल राजा अपने मित्र के हाथी पर बैठा दिलन। एजा जान बच गई अंगना में जब खाना आयल तो ईसु कहलन कि भैया जिंदगी भर संगे खैने जा संग ही उठना संग ही बैठना संग ही आना संग ही जाना संग ही सुतना माया काम संगे संग भइल लेकिन आज पहली बार जवना सोने के थरिया में तो के भोजन आइल बा ई भोजन हमके करा देता तो हमरे दिल के बहुत शांति मिले। ओहू जन नागपाल राजा के जान बच गईल जब सुहाग रात में वो लड़किया के लेके गईल हन सुहाग रात बितावे खातिर ओ दिन का भइल का हो ओ दिन ईसु जाए के पलंग के नीचे सजावे घुस गईल घुसल बड़न इंतजार कतलन की कब नागिन निकले ले। जब रात के घड़ी 12 बजौलस नागिन ये बाबू एकदम फन काढ़ के आ जे वही नागपाल राजा के पैर पर बैठल डसे खाती ईसु तलवार निकाल के जब नागिन के ऊपर चल भैया नागिन दो खंड में बट गईल लेकिन थोड़ा सा चूक हो गई। नगिनिया के खून के छीटा नागपाल राजा के ही गाल पर पड़ गई। ईसु सोचा तड़न की अगर उठाई हाथवा से तमरे मित्र के नींद बेकार हो देख ये कहाला समय तलवार के नोक भिड़ा के जब खून उठावे लगलन यही बीच में नागपाल राजा के नींद टूटल अपने मित्र के हाथ में तलवार देखलन ये बाबू ईमान कांप गई। जौना मित्र के दुनिया में भाई से बड़ी के जननी कौनो ऐसन कमी महसूस होखे ना दिहनी अरे वाह आज मित्र हमरे जान के दुश्मन बन गई। ए बाबू पैर के नीचे से जमीन खिसक गई नागपाल राजा सोचे पर मजबूर हो गईलन पूछने लगते हैं कि बताओ कारण क्या है आज सुहाग रात में जान मारने के लिए यहाँ तक चले आए। रोवा तड़न ईसु की भैया ये कैसन आप बात करतनी हमारा ऊपर आप शंका करतनी आपके शायद जानकारी निखे
कि सुहाग रात में आपके मित्र तलवार लेके आइल बा तो काहे खाती आइल बा, अगर सच्चाई बता दे तो हमार शरीर पत्थर के हो जाएगा। बिरहा सुने वाला भैया लो, ये दुनिया में ऐसनो स्वार्थी राजा बड़न कलम कि भले तू पत्थर के हो जाइब तका, लेकिन हमके सच्चाई बतावे को हुई कि आखिर ये सुहाग रात में तलवार लेके अइला त काहे अइला। यीशु से पूछे लगलन, यीशु बतावे लगलन बिरहा के अल्लाह लिखल गइल। अरे रोवे राजकुमारी नाही, अरे यहाँ वेला चाहे नमाई बाबू, रोवे राजकुमार हथवा जोड़ के कहलन किए भैया हमरा ऊपर आपके भरोसा निखे न, आप ये न जानता, ये न जानल चाहता कि हम आपके जान के दुश्मन बनी। ये कहां से कैसे सोच गईला ये भैया कि तोहार मित्र तोहरे जान के दुश्मन बा, तोहार मित्र तोके जान बचावे खाती हाथी से उतार के घोड़ा पर चढ़ हुए, अंगना में जब सोने के थरिया हुए ओइजा तोहार मित्र जान बचे हुए, तो के नहीं मालूम न तोहार मित्र ये सुहाग सेज में काए खाती आइल बा तो के जानकारी नहीं, यही बगलिया में नगिनिया के मार के एगो खाची के नीचे तोपले बनी जान नहीं विश्वास, तो जाके देख ला, लेकिन ये भैया जानत ल अब हम बचब ना, हमार शरीर पत्थर के हो जाइए। नागपाल राजा एक तरफ देखने के लिए चलते हैं और दूसरे तरफ ये बाबू यीशु के शरीर पत्थर के हो गई। अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुन गई खेत, लवट गईलन झरझर झरझर रोआ तड़न कि बहुत बड़ा हमसे गलती हो गई, काश अपने मित्र के बात मान गई रहती ताज हमार मित्र पत्थर ना बना रही, ये दुनिया में जिंदा रहत तो अपने मित्र के पत्थर से असली रूप मिले आई। लगलन जंगल जंगल ए बाबू राजपाट त्याग के भटके, संजोग ऐसन बा कि पाकल पाकल दारी हुए पागल के सम्मान हो गई, उपाय कहीं ना लगल, लास्ट में वही बरगदावा के पेड़ावा के नीचे जंगलवा में सूतल बड़न, फिर गिधनिया जगावत या गिधवा के किए जी अब की बार तेगो पागल सुतल भाई कैसन आदमी हो, गिधवा कलस के ई पागल ना उहे रजवा हो, नागपाल राजा जेकरे मित्र इनके चक्कर में पत्थर के हो गिल बा, गिधनिया कलस की तब असली रूप में कैसे आई हन, तब बिरहा सुने वाला भैया हमरे बिरहा के आखिरी निचोड़ बा, गिधवा कलस की सुनो इनकर मित्र पत्थर से असली रूप में तब आई हन कि रानी से जब पहिलका बेटा पैदा ली, पहिलका संतान जन्म ली, वही संतान के नागपाल राजा ए पत्थर रूपी मितवा पर रख के आए अपने हाथ से जब तलवार चलई हन, ओ बेटा के खून के छीटा जब तलवार पर पड़ी, अरे पत्थर पर पड़ी, तब पत्थर से इनकर मित्र असली रूप में आई हन। ए बाबू रात कैसहू बेचैनी में बीतल, सवेरे गइलन बाहरे भगवान आपका भी महिमा अपरंपार है,
समय पा करके रानी गर्भवती होती है, इस दुनिया में मासूम बेटे को जन्म देती है। कहल आदमी की माई के दिल मोम के सम्मान होला ये बाबू। अरे दुनिया में कहो नहीं सन मातारी कठोर होई ये बाबू, कि जौना बेटा के 9 महीना यही कोक में ढोके ये दुनिया में अपने औलाद के जन्म देली। ये दुनिया में कौन ही सन कठोर मातारी हुई कि अपने बेटा के मारे खाती दी। नागपाल राजा देखलन बेटा के, ये बाबू स्वार्थी राजा भूल गए, मोह में फंस गईलन। ये दुनिया में हमारा बेटा जिंदा रही तो ऐसन ऐसन मित्र हमके बहुत मिली। लेकिन बाहर औरत रानी के अपने पति के मर्यादा बचावे के हो, अपने पति के वचन के निभावे के हो, एक कलेजा के पत्थर बनाई के बाबू रानी अपने बेटा के उठाई के जब दोनों हाथ से लेके वही पत्थरवा पर सुताई के जब हाथ से तलवार उठाई के चलावे चली, ये बाबू कलेजा कांप गईल, कलेजा कांप गईल। और जब करेजा कांपे लगले बाबू तो हमरे विरह के आखिरी भाव खड़ी में कबीर जी लिखते हैं क्या, अरे तेगा बेटावा के ऊपर चला वाली ते ही घरी तही लल पावन भोले बाबा वाली काशी नगरी। तलवार चलावत अड़िए बाबू शरीर गन 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 कर कापत बा। आज जब बेटा के ऊपर खून के छीटा परल तो एक तरफ बेटा ये दुनिया के छोड़ दिले बा, दूसरे तरफ राजा के मित्र धीरे धीरे पत्थर से असली रूप में आवत लगल। आज जब असली रूप में आवे लगलन तो कबीर जी के लिखे के पड़ल, अरे जिंदा भइले लाल माई मोहावा निहारे, अरे धन्य भगवान नैया तोहारे सहारे। काशी के नगरी डगमगाने लगी एक माँ का त्याग देख करके। ऐसनो ऐसने दुनिया में माई रली हो, वाह वाह, कि अपने पति के मर्यादा पति के वचन के ख्याल करे खाती, ये दुनिया में मान सम्मान बचावे खाती अपने बेटा के भी कुर्बान कईली। यह त्याग दे करके एक नारी का त्याग दे करके शंकर भगवान के डमरू से डिम डिम आवाज निकलने लगा, काशी के नगरी भी डगमगाने लगी। और एक माँ जिस बेटे को अपने हाथ से काटी थी देख रही है कि मेरा बेटा, जिस बेटे को मैं काटी थी भोलेनाथ के सामने मेरा बेटा भी जिंदा पड़ा हुआ है। हे प्रभु इस दुनिया में ऐसे परीक्षा आप कभी अपने भक्तों के साथ मत लीजिएगा। आजकल लेबत बड़ा बेकार हो जाए, आजकल के जमाना खाली पैसा बाबा। अब कहा जानी ठीका का हाल तू ही ना जनब भैया, ठीका के बात हम ना जानीला। बिरह के आखिरी भाव में खानदान के पर्चे, गुरु गणेश गुरु रामलाल दोस्ती का रिश्ता पावन, बिमल चंद्री का रामदेव यह गीत लगे सुहावन। बताव के बसूतल तमीरा राम निवास दोस्ती के डोर निभावन। अच्छा एगो गीत गाली हद दिहल जा और बाद से आप लोग के हम सुना दे, देख पारी पर भोला तो ठीक लगे ला, देख कोई के अपमान ना कर जला। बाबा
मास्टर साहब पिया परदेश गईले। अच्छा गुरुजी जब करताल बजाओ तो प्रयास समूह कोई नहीं हो कि खाली चली लेकिन ये खाली में ना हो जब दो चार फेरा हो तब ताल पकड़ाई सुतले सुतल प्रयास कोई नहीं है कि ये खाली हो जाए धीरे धीरे हो जाए। अच्छा वही के थोड़ा सा बदल के एक घड़ी नया का जमाना में लोग गा दिल बड़न तनी मनी बदल के गोले बड़न कि सुना बुढ़ऊ दादा हो बनाओ तनी खैनी जौना टेरी पर आप करताल बजाओ तरनी वही के बदल के नौका कवैया ई कुल गा दिले बड़न लेकिन हई देखी हो अपने जमाना का बड़ा सुंदर गीत वाह वाह पिया परदेश गईले पिया परदेश गईले तार लागे टोपिया में हम हन के आई के जगाई गईले बाबा साहब गुरुजी लिखे हैं बाबा साहब यही हमें और आपको बताने का काम किए हैं उनकी देन है और उनकी आवाज क्या थी शिक्षित बनो संगठित रहो और संघर्ष करो। वाह वाह आज आप एक देन बाकी हमनी के खड़ा होके बोलत नहीं जाए हमनी के आपन हक के लड़ाई लड़त नहीं जा अगर शिक्षित ना बन रहती जा तो वह जिंदगी भर खाली हमनी के दबावल जाए बड़े कास्ट के लोग हमेशा दबाने का काम किए हैं और आज भी प्रयास कर रहे हैं आज भी दबाने का काम कर रहे हैं साथियों इसीलिए कवि जी लिखे हैं क्या भूलली डहरिया बताई गईले बाबा साहब भूलली डहरिया बताई गईले बाबा साहब हमनी के आई के जगाई गईले बाबा साहब हमनी के आई के जगाई गईले बाबा साहब। सुरेश कुमार गौतम जी कसिया के पूरा से रुपया देके सम्मानित कहनी नमो बुधाय कलाकार वही होता है पर गुना रिंच होना चाहिए। भूलली डहरिया बताई गईले बाबा साहब भूलली डहरिया बताई गईले बाबा साहब हमनी के रहिया देखाई गईले ही रहे ज्ञान हमारो हनिया नारी नाही रहे ज्ञान हम रहनी अनारी। हमारे गुरुजी बताते थे कि एक ऐसा समय था कि हमको हमेशा चाहे मंदिर हो चाहे कुआना हो अच्छा जब बतावे लोग लगे लंते बाबू ईमान कांप जाला
पार या छुआ छूत की बीमारी। जितने बड़े कास्ट के लोग थे, अच्छा स्कूल में जब बाबा साहब पढ़े जाए तो छोटे कास्ट के समझ करके उनको कहां बैठाया जाता था? स्कूल के बाहर बैठाया जाता था, कमर में झाड़ू बनाए, गर्दन में का टंगाए, मेटा टंगाए। काहे खाती कि छोटे जात का है, अगर थूक देगा तो जमीन अशुद्ध हो जाएगी। बाहर अत्याचार, आज वही संविधान लिखने का काम किए हैं, इसीलिए लिखना पड़ा क्या? रहल नहीं ज्ञान हमारो निया नारी, कतय नारी दूजे रोहली भिखारी, अरे ज्ञान रूपी दिया ना जलाई गईले बाबा साहब, ज्ञान वाली जतिया जलाई गईले बाबा साहब, भूलली डहरिया झोपड़ी में रहने को वो बनल ना बखरिया, ये बाबू ऐसनो समय रहल कि हमनी के अच्छा मकान ना रहल, झोपड़ी रहल। आज हमनी के बहिन बेटी इतना सांसत में जिंदगी जियत रही कि ओकर कोनो वर्णने मत पूछ, यही से कवि जी के लिखे के पड़ल, बहिन बेटी घूमत रहली पीन के लुगरिया, चोरी चोरी कांटी के पहनाई गईले बाबा साहब, चोरी चोरी कांटी के पहनाई गईले बाबा साहब, भूलली डहरिया बताई गईले बाबा साहब, भूलली मंदिर में जाई तो छुआए ठाकुर ज्ञानी, ठाकुर ज्ञानी छुआए, ठाकुर ज्ञानी छुआए, ठाकुर ज्ञानी। ये गौरी हमार गुरुजी लिखले रहलन कि शूद्र हो ब्राह्मण के कांट लिहले कनावा, शिक्षित बन करके और जो हिंदुस्तान के लिए आपने किया, बड़े बड़े लोग सोचने पर मजबूर हो गए, जौना करी अंग्रेजन के शासन रहल, तो यह कहलों से कि अगर 24 घंटा में संविधान कोई लिख देगा तो हम भारत छोड़ करके चले जाएंगे। अच्छा बड़े बड़े कतना लोग रहलन, चाहे पंडित जी होखे, ठाकुर होखे, बुनिहार होखे, अच्छा है कौनो बिरादर के लोग होखे, अच्छा बाबा साहब के तो स्कूल के पिछवाड़ी बैठावल जा, आई स्कूलों में बैठे वाला लोग कहे ना शिक्षित बनलन, केवल अहंकार में ये लोग डूबे हुए हैं। और आज भी स्थिति यही है, आज भी दबावल जाता हमनी के 85 के लोगन के जगले के काम हो, और जब तक ले ना जागल जाइए सही
ये अत्याचार करत रही हो ए घड़ी कोरोनो को सुई चलल बा भैया कितना लोग ना लगवाओ तो लहन में घड़ी बरियाई लगावल जाता ना लगेब तो घड़ी कौनो सरकारी सुविधा ना मिली। अच्छा एगो और रोकवाला कर ले बिछवा में दू गो खाली लैका धोखावे के बा अगर तीन चार गो हो गए सरकारी आ पहिरे के जमाना में कोई के 12 गो से नीचे ना रहल हां भाई दर्जन पूरा हमरे बिहार में लालू जी के 11 12 गो बाण सो त अपना पर नियम ना लगाइलो त यही से सोचे वाली बात बा बाबूजी कबीर जी लिखलन का कुआना पचड़ी नहीं कुआना पचड़ी नहीं पिए बादे पानी पिए बादे पानी हो पिए बादे अरे छुआ छूत के भेदवा मिटाई दी हमा बाबा साहब छुआ छूत के भेदवा मिटाई दी हमा बाबा साहब हमा लेट अरे नहीं कोई प्रधान नहीं बीडीसी हमारी हो ना कोई प्रधान ना कोई बीडीसी हमार हो और कहा कभी लिखल ओटावा के तू ही बाबा दिहला मीरा से प्रीतिया